दोस्तों, मैं आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है और सितंबर क्वार्टर दैट इज Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले विप्रो के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो आइए मैं आपके लिए वो अभी रिजल्ट्स कवर करता हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक तो आपको टाइम टू टाइम क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देर बी नो हिडन एजेंडा, वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। और दूसरा, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम इनकरेज रहेंगे ऐसे काम करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा रहा Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 का। आप देखिए, रेवेन्यू इनका इन टर्म्स ऑफ डॉलर $1.99 बिलियन रहा। रेवेन्यू सिक्वेंशली 3.7% से ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो ये एक मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है कंपनी ने। और इसमें अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो देखिए 31% इनका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से है, कम्युनिकेशन से 5.3%, कंज्यूमर से 16.2%, एनर्जी नेचुरल रिसोर्स यूटिलिटी से 12.9%, हेल्थ से 13.7%, मैनुफैक्चरिंग 8.2% एंड टेक्नोलॉजी 12.5%। तो इट्स ए वेल डाइवर्सिफाइड इनका कंपोजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स है। अगर आप देखें तो इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका से 58.4% इनका बिजनेस आता है, यूरोप से 23.8% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इज 17.8%। रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने 1.5 to 3.5% दिया है और उनका कहने का तात्पर्य है कि Q3 जो आएगा दिसंबर एंडिंग क्वार्टर का जो गाइडेंस है वो 2022 मिलियन to 2062 मिलियन के आसपास आएगा। तो हेड काउंट इनका टोटल जो है 185,243% है। तो पहले हम ये देखें कि इसका जो, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रॉस रेवेन्यू जो है इसका वो मात्र 1.4% बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशली, और एक्चुअली ईयर ऑन ईयर तो ये अगर हम देखें तो कम हुआ है 0.2। तो फ्लैट रिजल्ट्स हैं, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज लाइक HCL टेक्नोलॉजीज जिनका अच्छा एक ग्रोथ आया था। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो 24.7 बिलियन, उसमें भी अगर हम पिछले साल सितंबर से क्वार्टर करें फाइनेंशियल ईयर 2020 तो 3.4% का ड्रॉप आया है। अगेन नॉट ए गुड थिंग फॉर ए बिग कंपनी, और इनका असर सीधा अर्निंग्स पे पड़ता है। और आप देखिए इनका अर्निंग्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजन। लेकिन एक बात यह है कि इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, दैट इज 95 बिलियन रुपीज़ का, 9,500 करोड़ रुपीज़, और इन्होंने बोला है कि ये 400 रुपये का शेयर खरीदेंगे। तो यही एक पॉजिटिव ट्रैगर है जिसकी वजह से शेयर मेरे हिसाब से ऑलरेडी रन अप हो चुका है और अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो चुका है। अगर आप देखें तो विप्रो जो है 22 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है 375, और ये बेसिकली इसी एंटिसिपेशन में ट्रेड कर रहा है क्योंकि इसका बायबैक आने का जो न्यूज़ था वो कंफर्म भी हो गया है, और उसी हिसाब से ये शेयर जो है वो 20-25% पिछले कुछ हफ्तों में रन अप किया है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैं देखूं तो मुझे HCL टेक्नोलॉजीज अभी भी सस्ता लगता है, क्योंकि अगर आप जून क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, अभी सितंबर के तो इसके आए नहीं है, तो इसका नेट प्रॉफिट में 30% की ग्रोथ थी जो कि एक बहुत ही सब्सटेंशियल ग्रोथ है। वेयर एज विप्रो, TCS, इन सब का जो ग्रोथ है वो बड़ा म्यूटेड है या फिर फ्लैट आ रहे हैं। तो मैं बेसिकली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, फ्लैट रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी फ्लैट थे, इस क्वार्टर में भी फ्लैट थे, इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो डी ग्रोथ है। अगर आप देखिए लास्ट ईयर जून 2019 में 2388 था प्रॉफिट, और इस साल जून में 2390, तो फ्लैट था प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ करोड़ है, लास्ट ईयर सेप्टेम्बर 2553 करोड़ था, इस साल 2466 करोड़। तो नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट एज फार एज आई एम कंसर्न अमंग द IT कंपनीज। इसको भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट कोई EPS में भी कोई ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है, 17 के आसपास है। लेकिन ओनली थिंग इसकी थोड़ा वैल्यूएशन वाइज सस्ता चल रहा है। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स देखें 10 साल में तो 8%, और नेट प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखें अगर 8%, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब है और मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। जब स्टॉक मार्केट में इतनी सारी और कंपनियों का
ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं इसी कंपनी में क्यों करूंगा। अब ये भी कह रहा है कि टिकट ए की 375 जो है ये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस उससे ज़्यादा इंट्रेंसिक वैल्यू से, रिटर्न एफडी से बेटर है लेकिन डिविडेंड जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, एंट्री पॉइंट कह रहा है कि ये अभी एक्सपेंसिव है, अभी नहीं घुसना चाहिए। हालांकि कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देखें तो काफ़ी सब्सटेंशियली हाई है, 74% है। म्यूचुअल फंड से देखिए थोड़ा सा बढ़ाया है, 1.41% से बढ़ा के 2.05% कर लिया है। DIIs ने भी हल्का सा बढ़ाया है और FIIs ने हल्का सा कम किया है, 8.44 से कम करके 7.82 कर दिया है जून में, जो थोड़ा सा मैं नेगेटिव मानता हूँ। अगर FIIs कम करते हैं तो मैं कंसिडर करता हूँ कि शेयर में ज़्यादा अपसाइड शायद नहीं होगी, और ये अदर पार्टीज इंक्लूडिंग रिटेल तो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट देख के मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर का हम देखें 2000 के आसपास, इस शेयर को जब ये लिस्ट जब ये चार्ट दिखा रहा है तो 50 रुपये के आसपास था, और तब से लेके आज की डेट में अगर हम पिछले कुछ दिनों की राइस को छोड़ दें तो ये 300 रुपये तक ही बढ़ा है, कहने का मतलब है 6 गुना बढ़ा है। अगर कोई शेयर कंटिन्यूसली जिसका प्राइस 3 बार डबल होता है तो 10 गुना बढ़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर है वो 2003 से लेकर 2020 तक 17 साल में 3 बार भी डबल नहीं हुआ है, जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए कोई इंटरेस्टिंग शेयर नहीं बनता है। और इसमें ग्रोथ मल्टीप्लाई जो पैसों को मल्टीप्लाई करना जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज इसके रिटर्न्स तो एज गुड एज यू कैन से सिमिलर टू स्लाइटली बेटर देन FDs हैं बेसिकली। बाकी अगर हम देखें तो कोविड के ड्रॉप के बाद ये शेयर जब गिरा था तो आप देखिए काफ़ी नीचे आ गया था, 200 के नीचे आ गया था, और 200 से लेके ऑलमोस्ट 375 तक का ये राइज हो चुका, नियरली डबल, और बायबैक है 400। तो अभी मेरे को लगता है 400 रुपये इसका अपर लिमिट होगी, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है इस समय, तो मेरे हिसाब से नहीं घुसना चाहिए। और ये शेयर आप देखिए कितना लंबे लंबे कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे एक 2011 में इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था जो कि 164 था, और उस रेजिस्टेंस को इसने पार किया, आप देखिए 2013 में 2 साल लगाया इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, फिर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया 2015 में और उस रेजिस्टेंस को इसने पार तो किया 2018 में 3.5 साल के बाद, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, और अब ये प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस किया है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इस स्टॉक में लंबी देरी के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसमें ना करें, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई खास है नहीं। और अगर इसी को भी देखें, ये मंथली कैंडल्स दिखा रहा हूँ मैं फिर से आपको नाउ इंस्टेड ऑफ लाइन चार्ट, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका ग्रोथ हुआ है, सॉरी प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है फ्रॉम 160 के अराउंड से लेके अभी 375, मोर देन डबल। तो मैं नहीं इस समय मशवरा दूंगा या सलाह दूंगा किसी को भी इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिच हो गया। इससे अच्छा मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर करूंगा या और कंपनी जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हालांकि HCL टेक्नोलॉजी जून क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे, मैं सितंबर के वेट करूंगा अभी फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। इसी का अगर मैं मंथली चार्ट पे रैंको चार्ट देखूँ तो रैंको चार्ट तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि ये शेयर अगर हम यहाँ पे देखें 2003 में 50 से 70 रुपये के आसपास था, और अभी ये 6 गुना भी नहीं बढ़ा है। तो अगर 50 रुपये को मैं डबल करूँ 100 का डबल करूँ 200 का डबल करूँ 400, तो अगर मेरे हिसाब से अच्छा शेयर तो वही है जो कम से कम 4 साल में तो डबल करे। अगर ये 4 साल में डबल किया होता तो 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400, 400 या 800 रुपये के पास होना चाहिए। तो मैं ऐसे शेयर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो कम से कम 3 से 4 साल में, मैक्सिमम 3 से 4 साल में डबल हो, और उसके बियॉन्ड अगर डबल होते हैं तो मैं उन शेयर्स को छोड़ देता हूँ। वीकली चार्ट को भी अगर हम देखें तो आप देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है, इसमें मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग अभी ड्यू है। अगर किसी को फिर भी मन है लेने का तो मेरे हिसाब से क्लोजर टू 300 रुपीज़ या 325 to 350 रुपीज़ के आसपास ही लेना चाहिए, और वहाँ से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बेटर मिलने का चांसेस है। तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग का वेट करें, ज़्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत देर से ओवरबॉट जोन में चल रहा है। ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई नहीं है पिछले 2 क्वार्टर्स में, और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आप देखिए ये ADX भी बहुत ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है, अभी नहीं बनेगा कि 1-2 हफ्ते के बाद बनेगा, तो आप पेशेंटली इसमें वेट करिए। अगर आपकी फिर भी इच्छा है कि आप इसी में लगाना चाहते हैं, RSI भी आप देखिए 80 के ऊपर जा चुका है, तो अभी इसमें नया निवेश मेरे सलाह से ना किया जाए तो अच्छा है। और वैसे ही अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स भी अभी थोड़ा सी थकावट दिखा रहा है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे 5-6 ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो इसी तरह का कंसोलिडेशन मुझे लगता है अगले इस महीने
रहने वाला है और इस महीने तो इस शेयर में ना ही लगाया जाए और अगले महीने जब अगर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद नीचे आता है तो तब सोच सकते हैं, लेकिन इसे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं सलाह नहीं करूंगा, सजेशन नहीं दूंगा कि इस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों जो मैंने जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये मैं आपको ज़ीरोडा के ऊपर दिखा रहा हूँ। ज़ीरोडा ब्रोकरेज जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है और इसके चार्जेस सबसे कम है मेरे हिसाब से आज की डेट में इंडस्ट्री में। आप देखिए अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज लेता है, और वैसे अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज लेता है। सिर्फ इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स के लिए वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड लेता है, जो कि बाकी कंपनियों से मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ता और अवेलेबल है। अगर आप इस पर घर बैठे बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस पर जाके क्लिक कीजिए और नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए, आपका अकाउंट घर बैठे बैठे खुल जाएगा और आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आप हमें प्रोत्साहन दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारा चैनल जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारा कोई सलाह नहीं है किसी को भी कोई हमारे कहने पे निवेश करे, आप अपना रिसर्च भी करिए, सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले। इसके बाद साथ हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया और नए वीडियोज़ के लिए बने रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।